मोशन में जो हमारे ग्राफ का पोर्शन आता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक आपने इसमें से क्या-क्या लर्न किया? आपने कुछ लर्न भी किया होगा ना, है ना? क्या-क्या लर्न किया? कुछ ऐसी चीजें लर्न की, देखो हमारा टारगेट क्या है कि आपने क्या-क्या लर्न किया होगा। दिस थिंग्स, सबसे पहले आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई ग्राफ्स की इन मोशन? यस समझ आया ग्राफ में होता क्या है? स्लोप, स्लोप क्या चीज होती है ना? वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सलरेशन कैसे करते हैं? थोड़ा सा वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन का कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी का पता लगेगा। जब हम वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन को आज डिस्कस करेंगे, आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमने वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन को ग्राफ के थ्रू फाइंड करना है, राइट बेटा? तो उससे आपकी क्या इंक्रीज हो जाएगी? न्यूमेरिकल एबिलिटी, राइट बेटा? थर्ड, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वी विल नॉट क्रैम द थिंग्स। हमने क्रैमिंग नहीं करनी है कि क्या लेना है, कैसे लेना है। हमने समझना है एंड देन हमने चीजों को अप्लाई करना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगे आपके पास, तो ऑब्वियसली आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? कि आप क्रैम नहीं करोगे चीजों को, आप सोच के सॉल्व करोगे, रट्टा नहीं मारोगे चीजों का, है ना? हमने सोच के कि कहीं से भी डाल दो भाई, अब तो क्वेश्चन, हमें टॉपिक समझ आ गया, अब तो कुछ भी डाल दो, कैसी शेप डाल दो ग्राफ की, कैसा ही डाल दो, है ना? यूनिफॉर्म डालो, नॉन यूनिफॉर्म डालो, अब तो हमने कर लेना है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, राइट बेटा? सो हमारा टारगेट है इन चार चीजों के ऊपर, अंडरस्टैंड? चल, अब एक क्विक रिवीजन टेस्ट है आपका, वेरी क्विक रिवीजन टेस्ट। आपको आज का जो मॉड्यूल मिला होगा बेटा, उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 5-6 आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिले मिले होंगे, 6 एमसीक्यूज, है ना? सो ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। बेटा चीटिंग नहीं करनी, एक दूसरे का देख के नहीं करना। अगर एक बार भी चीटिंग करोगे तो इन लर्निंग आउटकम से आप बाहर हो जाओगे। फिर बी ऑनेस्ट, हम वन बाय वन सारे आंसर्स डिस्कस करेंगे फिर, एंड आपने अपनी मार्किंग खुद से करनी है कि किसने कितना स्कोर किया, राइट बेटा? एंड टीचर्स प्लीज टेक केयर कि कोई बच्चा चीट ना करे, अपने आप करें, ऑनेस्टली करें, नहीं आता तो लीव कर दो, ठीक है बच्चे? एनी डाउट? एंड यू हैव नियरली नियरली 7 to 8 minutes टू सॉल्व दीज 6 क्वेश्चन, राइट बेटा? सो जस्ट स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस देम फास्ट, राइट बेटा? आई एम ऑल्सो लुकिंग एट यू बेटा, डोंट चीट। बच्चे नोबडी ऑन बेटा तो वो देख कर
बच्चे जिसका होता जाएगा जस्ट रेज योर हैंड। ये कंप्लीट हो गया। यस नाइन्थ है। पीछे बैक में गर्ल्स बच्चे अपना अपना करो। वेरी सिंपल क्वेश्चंस बेटा, हमने सब किए हुए हैं ये क्वेश्चंस, है ना। फिफ्थ और सिक्स तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था। डन डन। किसने बोला? ओके इसे जी, वेरी गुड। ओके बेटा, जस्ट 2 मिनट्स आर लेफ्ट। आई होप बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन थे जो टिक करने थे, आपके हो गए होंगे अब तक सबके, है ना। शुड वी डिस्कस? यस चलिए, सो किसी का रहता है तो जस्ट रेज योर हैंड्स बेटा। इज देयर एनीवन जिसका नहीं हुआ अभी तक? मैम, एवरीवन हैज कंप्लीटेड, गुड। सो हम डिस्कस करते हैं, एंड ऑनेस्टली आपने अपने आप को मार्क करना है किसके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं आउट ऑफ 6, राइट बेटा।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. लुक एट द बोर्ड नाउ. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज एन असेंडिंग स्ट्रेट लाइन. द बॉडी इज डिस्क्राइबिंग. तो ये क्या बोल रहा है बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना. क्या है? यहां पर टाइम है. दिस इज अ डिस्टेंस. दिस इज वाई एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस. इट इज अ स्ट्रेट असेंडिंग लाइन. मतलब कि वो कुछ इस तरीके से लाइन है. सो ये ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? विच वन इज द राइट आंसर? देखिए ये वेरिएबल वेलोसिटी नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. वेरिएबल में हमेशा लाइन आपको कर्व्ड मिलेंगी है ना. यूनिफॉर्म एक्सलरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम एक्सलरेशन फिलहाल डिफाइन नहीं कर रहे हैं. राइट बेटा? राइट. नाउ द कौन से इन दोनों में से दो ऑप्शंस बची? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकते हैं. कौन सा आंसर ठीक होगा, वेलोसिटी या स्पीड? इट इज स्पीड बेटा. दिस इज द राइट आंसर क्योंकि यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है बेटा. अगर यहां पर डिस्टेंस की जगह हमें दिया होता डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तब मेरा आंसर राइट होता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. राइट बेटा? आया बच्चे समझ? इज दिस क्लियर? ये चीजें बहुत मैटर करती हैं. डिस्टेंस गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है. अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं होगा फिर आप वेलोसिटी या स्पीड में से कुछ भी मार्क कर सकते हो. बट यहां पर क्लियरली दो ऑप्शंस हैं, वेलोसिटी भी था स्पीड भी था. तो इस केस में हमारा जो राइट आंसर रहेगा बेटा वो क्या रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, ऑप्शन सी. शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए चलिए. द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स. वेरी गुड क्वेश्चन. और इसी पे आज हमने काम भी करना है, ठीक है बेटा जी? चलो. हाँ जी, राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका? द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट. क्या बताती है बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यस, इट इज अ राइट आंसर. राइट बेटा? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए. द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स. हाँ जी, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज अ टाइम एंड वेलोसिटी ग्राफ. कोई भी आपके पास शेप बनी हुई है, इसके नीचे का जो एरिया है, दिस एरिया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए. यस, गुड, दिस इज अ राइट आंसर. वेलोसिटी तो ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा. वेलोसिटी वाई एक्सिस से पता लग रही है. एक्सलरेशन नहीं बताता. अच्छा, एक्सलरेशन कैसे पता लगेगी? सपोज करो मुझे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सलरेशन फाइंड करनी हो, तब कैसे पता लगेगा? एनीवन? आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है एंड आपसे बोला गया फाइंड द एक्सलरेशन, आप कैसे निकालोगे? वेरी गुड. आई थिंक कौन सी क्लास का रिस्पॉन्स था ये? नाइन्थ ए और नाइन्थ बी? एंड नाइन्थ बी. अभी डिस्कस करेंगे बेटा इस चीज को भी, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका तो आपको राइट आंसर पता चल गया था, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है. चलिए बेटा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. द कर्व ए बी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. जस्ट अ मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, आगे नहीं हो रहा, मैं रीड कर रही हूँ. द कर्व ए बी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट. हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन में
कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी ऑप्शन. वेरी गुड. ठीक है जी. द कर्व ए बी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट. यस. क्या ये राइट आंसर हो सकते हैं? बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड नहीं हो सकता क्योंकि इस केस में हमें क्या चाहिए होती है? एक स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है. ठीक है. बॉडी मे और मे नॉट हैव यूनिफॉर्म एक्सलरेशन. ये भी नहीं हो सकता. तो बोथ बी एंड सी वाली ऑप्शन भी चली गई. तो राइट ऑप्शन विल बी द बी वन. वेरिएबल वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव करता है. इज इट क्लियर? यस. फिफ्थ क्वेश्चन. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एडजॉइनिंग ग्राफ रिप्रेजेंट. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ये? मुझे ये बताओ, एक एक किस किसने बोला? अरे ठीक भी हो सकता है. किस किसने बोला? मैक्सिमम स्टूडेंट्स ए. एंड बी कौन बोल रहा है? खड़े होना जरा, बी वाले खड़े होना जरा. दैट्स गुड. एंड फ्रॉम नाइन्थ बी, बी के साथ कौन कौन है? ओके राइट गुड. ओके फ्रॉम नाइन्थ बी, मैम जो खड़े है ना बी सेक्शन में, उनमें से किसी स्टूडेंट को प्लीज एक्सप्लेन करने के लिए बोलिए कि बी आंसर क्यों है. Yes, ma'am. Yes, but can you explain the answer why it is B? Ma'am, because first the velocity is decreasing. Constant, then it is increasing. Okay. But the right answer is, देखो, बच्चे चले जाओ सीट पे वापस. Go back to your seat. अब देखते हैं right answer है क्या. The motion of a boy. The motion of a boy. On a swing. ये तो नहीं है, है ना? ये तो देखने से ही पता लग रही है कि ऑप्शन गलत है. ये नहीं हो सकता. नन ऑफ दीज भी नहीं है इसमें. बच्चा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है. वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है ना? अब देखो, अ बॉडी मूव्स डाउन अ स्लोप, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है. ठीक है बच्चे. अ बॉडी मूव्स डाउन अ स्लोप. एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, देन मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी. बट यहां तो ग्राफ में डिक्रीज दिखा रहे हैं. देखो ग्राफ में डिक्रीज हो रही है ना वेलोसिटी, डिक्रीज हो रही है ना. तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया ना बेटा आपका. वो कह रहे हैं बॉडी मूव्स डाउन अ स्लोप, नीचे की तरफ आ रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी. यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज दिखा रहे हैं. तो ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन. बी पर आइए. अब बॉडी राइजेज अप अ स्लोप. अब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है. इस केस में जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है. ठीक है. जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो धीरे हो जाएगा ना, स्पीड स्लो हो जाती है उसकी. जैसे आपने बॉल ऊपर उछाली तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी और फिर वो एक स्टेज पे जीरो हो जाएगी. ठीक है बच्चे, समझ आई ये चीज? देन मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा वो. देन कम्स डाउन बाय अनदर स्लोप. अब एक और स्लोप आई और वो उससे नीचे आ गया. जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? सिट डाउन एवरीवन. बच्चा बैठ जाओ. ठीक है. वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज. जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी बेटा. वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. ठीक है.
जब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ जाएगा. जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे गया? कम्स डाउन बाय अनदर स्लोप. जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? इंक्रीज. सो राइट ऑप्शन विल बी बी. ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? चलिए बेटा, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लास्ट क्वेश्चन, दैट जॉइनिंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ. यस, इसका आंसर क्या होगा? चलिए चलिए, ए होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एंड एक्सेलरेटिंग कार फाइनली मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड कमिंग टू रेस्ट. अ ट्रॉली पुश्ड अप अ स्लोप, ऊपर जा रही है. अगर ट्रॉली को पुश्ड किया स्लोप पे तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी? डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट यहां तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. देखो ये वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी? इंक्रीज हो रही है ना बच्चे? तो ये ऑप्शन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती. द मोशन ऑफ अ बॉय ऑन अ रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर पे ऐसा मोशन होता है. रोलर कोस्टर क्या होता है? राइड होती है. तो राइड पे तो ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, है ना? क्योंकि वहां पर राइड कभी भी बीच में यूनिफॉर्म मोशन में नहीं आती. उसकी स्पीड या तो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होगी. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा. तो नन ऑफ दीज भी नहीं है. राइट आंसर इज एन ए. एक्सलरेटिंग कार, एक्सलरेटिंग कार मतलब जो कि अपनी स्पीड को बढ़ा रही है. पहले उसने स्पीड को इंक्रीज किया, फाइनली मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चली एंड कमिंग टू रेस्ट. अब रेस्ट पे जब भी कोई चीज आती है तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट होगी या स्लो हो जाएगी? जब ऑब्जेक्ट रुकने वाला होता है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड, आप कार चलाते हो, पेरेंट्स कार चला रहे हैं, आप स्कूटर चलाते हो, साइकिल चलाते हो, जब ऑब्जेक्ट रुकने वाला होता है तो स्पीड फास्ट करनी पड़ती है या स्लो करनी पड़ती है? स्लो करोगे, स्लो करोगे और फाइनली क्या आ जाओगे? जीरो पर आ जाओगे. राइट बेटा, समझ आई ये चीज? क्लियर हो गया सबको? चलिए, इज देयर एनीवन इन द क्लास जिसके ऑल सिक्स क्वेश्चंस आर करेक्ट, जिसके छह के छह करेक्ट हो इन बोथ द सेक्शन? वेरी गुड. नाइन्थ बी, एक गर्ल, एक पीछे स्टूडेंट का हाथ रेज हुए. ऑल सिक्स आर करेक्ट. वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम. वेरी गुड. इज देयर एनीवन फ्रॉम नाइन्थ ए? चलिए, गुड एवरीवन. जिसके फाइव ठीक हैं, सिक्स ठीक हैं, दैट्स गुड. जिनके फाइव से कम है, बच्चा यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन. ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन सिंपल है. अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता दो, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा. करना, किसी ने कुछ पूछना है तो बताइए. नथिंग. चलिए बेटा, चलिए बेटा, अब कुछ हमने ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स करने हैं बेटा. स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ग्राफ. बट उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं. कौन बताएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं या एक्सलरेशन फाइंड करते हैं? यस, वेलोसिटी. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हाँ जी, देखो जैसे कि आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस है, ये आपके पास टाइम है. कोई भी ग्राफ बना हुआ है तो हम यहां से क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? वेलोसिटी. ठीक है, और अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कोई भी ग्राफ की शेप बनी हुई है कोई भी तरह की,
तो हम यहां से दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं. एक तो हम कैलकुलेट करते हैं क्या, एक्सलरेशन, ठीक है, और दूसरा क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है बेटा, कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया, राइट बेटा. यहां से हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, कर तो और भी कुछ कैलकुलेट सकते हैं, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें यही फाइंड करना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकालते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चे, हां जी, एक्सलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड. अब हम एक बेसिक बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द लेंथी क्वेश्चन, राइट बेटा. चलिए अब मुझे ये बताओ, अब मैंने आपको एक ग्राफ दिया, ठीक है, ये आपका आ गया टाइम, यहां आ गया डिस्टेंस, ये आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. आपके पास यहां पर एक लाइन है, ठीक है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है. यहां पर आप बना लीजिए फाइव, ठीक है, फाइव, टेन एंड फिफ्टीन, ये 15, 10 मीटर एंड 5 मीटर, राइट बेटा. एंड लेट अस से यहां पर ये जो टाइम है ये हमारा है 5 सेकेंड, ठीक है बच्चे. अब यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, अभी अभी बताया मैंने आपको, आपको बोला गया वेलोसिटी कैलकुलेट करो कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है आपसे पूछा गया. अब हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. अब वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, वेलोसिटी किसके इक्वल होगी बेटा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, राइट बच्चे. स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमने किया था, कौन बताएगा, यस, मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस अपॉन मेजरमेंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा. अब वाई एक्सिस की मेजरमेंट्स बताइए मुझे कितनी है, वाई एक्सिस की मेजरमेंट कितनी है 15, और एक्स एक्सिस की मेजरमेंट कितनी है 5, तो सॉल्व करके कितना आ गया 3 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि अगर मैं यहां डिस्टेंस मीटर में ले लूं तो मेरी वेलोसिटी की यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर्स पर सेकेंड, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत आई. अब आप ओरली भी बता सकते हो, कोई आपको ग्राफ देके फटाफट पूछेगा कि इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी है, आपने सिर्फ क्या देखना है कि वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सिस की कितनी है, दोनों को डिवाइड किया, ओरल आंसर आ गया आपके पास, ठीक है बच्चे, क्लियर. चलो अभी मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पर अगर वैल्यूज चेंज कर दूं, ये मैंने ले लिया 10, ये 20, ये 30, और चलो ये 5 ही रखते हैं, नाउ व्हाट विल बी द आंसर, ये नोट करते जाओ साथ साथ में, ये साथ साथ में नोट करते जाओ बेटा क्वेश्चन, यही आपको हेल्प करेंगे अभी आगे, नोट. जल्दी से क्विक, हो गया बच्चे,
चलिए सेकंड केस में भी मुझे जल्दी से वेलोसिटी कैलकुलेट करके दिखाइए कितनी आएगी. दिस इज 40 and 8 seconds. Yes. It will be 5 or it will be minus 5? It is 5. Okay. बच्चा देखो एक चीज यहाँ पे आप समझो. अब मेरे को जो समझाना है ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज को समझिए जरा. हमने यहाँ पर बोला स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी मुझे बतानी है. बी पर कितनी वेलोसिटी है? 30, राइट बेटा? माइनस ए पर कितनी वेलोसिटी है? जीरो. अपॉन बी के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम कितना है? 5. एंड ए के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम कितना है? जीरो. सो दिस इज द वे यू विल डू द क्वेश्चंस नाउ. सो 30 upon 5 इट विल बी, एंड इट विल बी 6 meters per second, राइट बेटा? एंड इन दिस क्वेश्चन आपको वही निकालना है वेलोसिटी ऑफ, आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी ऑफ ए बी, है ना? अब बी के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे बताइए कितनी वेलोसिटी है. बी पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है? रुक गया ना ऑब्जेक्ट. देखो जब यहां पर एक्स एक्सिस को एक लाइन टच कर लेगी तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया. स्टॉप हो गया तो बी पर वेलोसिटी कितनी है उसकी? जीरो. ए पर वेलोसिटी कितनी है बेटा उसकी? 40, राइट? और टाइम बताइए, बी पर टाइम कितना था? 8. और ए के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम कितना है? 0. इट क्लियर हुआ बेटा? तो इट विल बी -40/8, एंड ये आपको क्या देगा? -5 meters per second, राइट बेटा? तो बी वेरी केयरफुल ऑफ साइंस. अगर आपने यहाँ पे सिंपल 40/8 लेकर किया तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव स्लोप या पॉजिटिव वेलोसिटी ये दिखाती है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है, एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी क्या दिखा रही है? कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, राइट बेटा? यहां पर स्पीड क्या हुई? इंक्रीज. और इस केस में स्पीड हमें पता चल रही है क्या हो रही है? डिक्रीज. अभी समझ आया बेटा सबको? Yes. सबको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट. अब हम एक देख लेते हैं वेलोसिटी. बेटा किसी को कोई डाउट हो तो बच्चे पूछ लेना, ठीक है? चलिए अब आपके पास एक ग्राफ है. दिस ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. देखो दिखने में सेम लग रहा है ना जो अभी पीछे बनाया था हमने, बट दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सपोज करो दिस वैल्यू इज 50 meters per second, एंड जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम है वो आप कुछ ले लो 10 seconds, ठीक है? कैन यू फाइंड एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ऑफ लाइन ए बी? निकाल सकते हो? सेम मेथड बेटा. एक्सलरेशन क्या होती है? स्लोप ऑफ लाइन ए बी. वही तरीका, मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस अपॉन मेजरमेंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा? मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस अपॉन मेजरमेंट ऑन एक्स एक्सिस. ओके, नाउ फ्रॉम 9th है मानवी. वेयर इज मानवी? इज शी प्रेजेंट टुडे?
आइए बेटा, आइए आइए, बाहर आइए। चलिए अब मुझे बताइए स्लोप ऑफ लाइन ए बी कैसे कैलकुलेट होगी। मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस अपॉन मेजरमेंट ऑन एक्स एक्सिस। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस, हाउ शुड आई राइट? 50। वेरी गुड। यस 50 -0 माइनस जीरो, वेरी गुड, अपॉन मेजरमेंट ऑन एक्स एक्सिस। क्या होगी मेजरमेंट ऑन एक्स एक्सिस? 10 -0 10 माइनस जीरो, दैट्स वेरी गुड। हाँ जी, व्हाट विल बी द आंसर देन? 50 माइनस जीरो इज 50, 10 माइनस जीरो इज 10, एंड आंसर इज 5। इज द यूनिट ऑफ एक्सलरेशन, यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स वेरी गुड। यू कैन गो बैक टू योर सीट मानवी, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एक्सलरेशन ऑल्सो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। ठीक है, स्लोप को इतना अच्छा एक क्राइटेरिया है बच्चा आपके पास, उससे आप बहुत सारी चीजें क्विकली सॉल्व कर सकते हो। स्लोप ही तो बतानी है ना कि बी पर कितनी वैल्यू है माइनस ए पर कितनी वैल्यू है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम एंड ए के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम कितना है, राइट? ओके, आई एम प्लॉटिंग वन मोर ग्राफ। आप मुझे बताइए इस केस में एक्सेलरेशन कितनी होगी? किसी से पूछूंगी मैं, बी रेडी? ठीक है जी, फ्रॉम नाइन्थ बी हरिजोत कौर, हरिजोत कौर एब्सेंट। ओके जी, निखिल, यस कम बेटा। यस बेटा, मुझे जरा बताइए कि इस केस में ऑब्जेक्ट की एक्सलरेशन क्या है? मैम जीरो। जीरो। कैसे कैलकुलेट करें? ए एंड बी, ठीक है बच्चे, इट इज जीरो बिकॉज द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर हम स्लोप के तरीके से देखें तो ये जीरो क्यों है? बी पॉइंट पर, एट पॉइंट बी, मुझे ये बताइए वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की? 100। वेरी गुड। एट पॉइंट ए व्हाट इज द वेलोसिटी? पॉइंट ए पर भी 100 है, अपॉन पॉइंट बी पर टाइम कितना है? 10। एंड पॉइंट ए पर टाइम कितना है बेटा? जीरो। सो 100 माइनस 100 विल बी जीरो, एंड जीरो अपॉन समथिंग विल ऑलवेज बी जीरो। सो दिस इज हाउ द एक्सलरेशन इज जीरो इन दिस केस, राइट बेटा? चलिए अब इसके अंदर बेटा एक टॉपिक है, इसी के अंदर इन दोनों क्वेश्चंस में ही हम करेंगे कि अगर मुझे पूछा जाए ऑब्जेक्ट ए से बी तक तो गया, बट उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, मूव किया है ना वो ए टू बी, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट? यस, कैसे पता चलेगा? हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट केस में डिस्टेंस कवर्ड कितना है? डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस हमेशा निकलता है। अभी आपने जो टेस्ट के क्वेश्चंस किए थे उसमें भी था, डिस्टेंस हमेशा कैसे निकलता है बेटा? बाय यूजिंग एरिया अंडर द कर्व। जो भी कर्व बना, कोई भी कर्व, ठीक है, कोई भी कर्व बना, इस कर्व के नीचे का जो एरिया है वो मुझे क्या देगा? डिस्टेंस देगा। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? ठीक है जी, चलिए अब इसमें एरिया निकालते हैं। डिस्टेंस
किसके इक्वल आ जाएगा बेटा आपका? चलिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया, एरिया अंडर ए बी, राइट बेटा? और एरिया में वो शेप क्या बन रही है जरा आप मुझे बताओगे? ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हम इसको कोई नाम दे दें, लेट अस से मैंने इसको नाम दे दिया ई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? निखिल यू कैन गो बैक टू योर सीट बेटा, गो गो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ, व्हाट इज द बेस हियर? बेस ऑफ द ट्राइंगल इज ए ई, है ना? और हाइट कितनी है ट्राइंगल की? बी ई बेटा, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ये हाइट है ट्राइंगल की, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया बी ई। सॉल्व कीजिए जरा, वैल्यूज एंटर कीजिए। 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ई? 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ई? 50। बी ई की बेटा ये देखो, ये लेंथ हुई ना बी ई की, जितना ये है उतना ये होगा, राइट? तो बी ई की लेंथ कितनी हुई? 50। ये क्लियर हुआ सबको क्या किया मैंने? ठीक है, हमने सिंपल डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया देखना होता है, एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व आपका ट्रायंगल भी हो सकता है, आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, आपके पास स्क्वायर भी आ सकता है, आपके पास ट्रेपीजियम भी आ सकता है, राइट बेटा? तो जो शेप आपकी, जैसे आप नीचे वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ ट्रायंगल ना बनकर क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है। ऊपर वाले में ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आएंगी, उसके अकॉर्डिंग हम उनके एरियाज का फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन कर लेंगे। सिंपल, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया, बेस इंटू हाइट। बेस कितना था बेटा? ये बेस था, ठीक है बेटा? हाइट क्या थी? ये चीज हाइट थी। और ये बी ई किसके इक्वल है? इस वैल्यू के। ये जीरो है, 50 है माइनस जीरो विल बी 50, ठीक है जी? कैलकुलेट कर लो, 2 5 10 एंड कितना आ गया? 250 मीटर। ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 250 मीटर। 10 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट ने कितना स्पीड डिस्टेंस कवर कर लिया? 250 मीटर, ठीक है? अब इसको प्रैक्टिकली सोचो, आप कहीं जा रहे हो, आप बाइक पे जा रहे हो, आप एक्टिवा पे जा रहे हो, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 सेकंड के बाद आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा? 10 सेकंड के बाद 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप 250 मीटर कवर कर चुके हो। गॉट इट? समझ आया बच्चे? चलिए अब मुझे नीचे वाले का हम करते हैं, नेक्स्ट ग्राफ का, ठीक है? ये मैं दोबारा प्लॉट कर लेती हूँ ग्राफ। चलिए डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाना है बेटा उस क्वेश्चन में सबने मुझे। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और वो कितनी थी वैल्यू? 110। दिस इज 100 मीटर्स पर सेकेंड, एंड ये जहां स्टॉप हो रहा है वो वैल्यू है हमारी 10 सेकेंड, राइट बच्चा? चलिए अब ये पॉइंट है लेट अस से पी, एंड दिस पॉइंट इज क्यू। तो अब आप मुझे बता सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू? यस, फ्रॉम 9th ए नितिन कौशल। यस बेटा,
Nitin Kaushal, yes. How you will calculate the distance from P to Q in this figure? Ma'am, please repeat. How will you calculate the distance from P to Q in this case? Ma'am, by this figure is a rectangle. This is a rectangle. Bilkul, very good. So can we write area of rectangle? Angle. रेक्टेंगल की एक शेप बना लेते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल नाम दे दीजिए इसको, पी क्यू, ये ए ले लो, ये बी ले लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. हाँ जी, पी क्यू बी ए. ठीक है बच्चे. सो आगे बताइए बेटा क्या करेंगे अब. इसका फॉर्मूला लिख देंगे. फॉर्मूला क्या होता है? इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ. Length into breadth. So, yes, you can go back, beta. You can go. Sabneet from ninth. चलो ninth B से बुलाते हैं किसी को. Shagun. Shagun. Yes, beta. चलिए. अब मुझे बताइए what is the length in this case? 100. ओके. लेंथ बेटा इस केस में आप किसी को भी मान सकते हो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा. तो क्या हम लेंथ को यहाँ पर पी क्यू ले लें और ब्रेथ को हम क्या ले लें बताइए? बी क्यू ले लेते हैं. ओके दैट्स गुड. अब मुझे बताइए पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 100. पी क्यू की वैल्यू 100. पी क्यू बेटा, पी क्यू इज दिस थिंग एंड ये लाइन आपकी यहाँ आ रही है 10, है ना. ये जीरो पर है तो पी क्यू की लेंथ हुई 10 और बी क्यू यहाँ आ जाएगा. बी क्यू की वैल्यू कितनी है? 100. ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये कितना मिला बेटा आपको? 1000. व्हाट विल बी द यूनिट? मीटर्स. वेरी गुड, शाबाश. नाउ यू गॉट इट? ये नोट कर रहे हो बेटा सर? यस बेटा, डू इट क्विकली एंड देन वी विल मूव टू द प्रीवियस वर्कशीट. बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए. नोट इट डाउन बेटा, जल्दी बेटा, क्विकली. टाइम इज गेटिंग ओवर, थोड़ा सा फास्ट करो. समझ आया ये सबको? द मेन थिंग आपको समझ आनी चाहिए. एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटा, हु इज स्पीकिंग? मैम, आई हैव इन डाउट. यस बेटा, टेल मी. जैसे पहले हमने ट्रायंगल वाला किया था, अब रेक्टेंगल वाला किया, अगर ग्राफ कर्व में आए तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बेटा कर्व में ना एक्चुअली क्या करना पड़ता है, जैसे कि सपोज करो आपके पास ये ग्राफ है, आपके पास ये कर्व बना और आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है ना, फिर हमें इसके अंदर ना छोटे छोटे बॉक्सेस बनाकर करना पड़ता है. इसके अंदर ना बॉक्सेस बनते हैं ऑफ इक्वल एरिया. वो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मेथड, क्योंकि फिर इसमें हम एक बॉक्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे, वन बॉक्स का एरिया, फिर कितने बॉक्सेस बने उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और कुछ एरियाज होते हैं जहां पर पूरा बॉक्स नहीं बन पाता, फिर हम इनका एरिया ना जो वैल्यू होती है इनकी रफ वैल्यू को टोटल वैल्यू में ऐड करते हैं. रफ थोड़ी सी वैल्यूज इसके अंदर चलती है. ठीक है, कोई भी बड़ा सारा एरिया है, टेढ़ा मेढ़ा है, कोई भी शेप है, कुछ इस तरीके की है, ये ग्राफ है, तो इसके अंदर जितने भी आपके इक्वल साइज के बॉक्सेस बन सकते हैं ना बेटा, हम वो बना लेंगे पहले इस तरीके से ऑफ इक्वल साइज. एक पर्टिकुलर बॉक्स का मैं एरिया निकाल लूंगी. अब जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रॉपर बॉक्स बने, तो एक बॉक्स के एरिया को हम 10 बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. और कुछ पोर्शन बचा, जैसे यहां पर मेरे पास सपोज करो एक बॉक्स नहीं बन पाया, ठीक है, इसका एरिया मुझे रफली ऐड करना पड़ेगा.
इसका हम एग्जैक्ट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? हम इसको देख लेंगे कि हमारे इस मेन बॉक्स से वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका उसकी वैल्यू को हम ऐड करेंगे, ठीक है? ओके जी, और कोई डाउट? ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है बेटा, लास्ट एक्सरसाइज में ना, लास्ट एक्सरसाइज में आपके पास एक ऐसा ग्राफ बना हुआ होगा ऐसे करके, और आपसे इतने पोर्शन का एरिया पूछा गया है। फिफ्थ सिक्स सेवेंथ क्वेश्चन होगा, सेवेंथ या एट्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपका, ठीक है? तो वो क्वेश्चन हाँ कुछ ऐसा बना हुआ है और इस पोर्शन का उन्होंने एरिया पूछा हुआ है, वो एरिया आपका ऐसे ही कैलकुलेट होगा। मैम यस, थैंक यू मैम। ओके बेटा जी, सो बच्चा नोट हो गया सबका? यस। चलिए, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिटार्डेशन निकाल सकते हो। कैन यू फाइंड रिटार्डेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ? ओके जी, रिटार्डेशन भी कैलकुलेट हो सकती है। एंड लुक एट योर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, जो लास्ट ईयर लास्ट टाइम की शीट है ना बेटा आपके पास, उसमें से क्वेश्चन नंबर नाइन्थ निकालिए जरा, जिसके पास ऊपर ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है आपका, ऐसे इस तरीके से, ऐसे है एंड देन ऐसे है, मिला? ठीक है बच्चे, बस यही हमने देखते हैं क्वेश्चन। दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आई विल टेक द डेटा। टाइम हमारे पास सेकंड में है, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज 8 मीटर्स पर सेकंड, और यहां पर हमें दिया हुआ है 8 सेकंड एंड यहां पर 18, ठीक है बच्चे? नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई हेयर। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट ई दिया गया आपको। अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, देखो इसमें फाइंड द एवरेज रिटार्डेशन, ठीक है? इसको बाद में देखते हैं, पहले हम सेकंड पार्ट देखते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहां से कहां तक थी? चलिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो कहां कौन से पॉइंट तक मूव कर रहा है? ए टू बी, ठीक है? डिस्टेंस कवर्ड पूछा गया है। हां जी, कौन बताएगा? एनीवन इंटरेस्टेड? नहीं तो मैं नाम ले रही हूं किसी का, कैसे कैलकुलेट होगा? चलिए, फ्रॉम नाइन्थ है अंजलि। चलिए, हाउ विल यू कैलकुलेट द डिस्टेंस फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी? मैम, वी विल फर्स्ट टेक द मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस अपॉन मेजरमेंट ऑन एक्स एक्सिस। ओके बेटा, डिस्टेंस, इट इज नॉट एक्सलरेशन बच्चा, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए स्लोप नहीं चलेगी, स्लोप यूज होगी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए और एक्सलरेशन फाइंड करने के लिए, बट यहां पर हमने क्या लिखा है? डिस्टेंस कवर्ड, है ना? तो डिस्टेंस के लिए अभी हमने पीछे क्या किया था, डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? यस एनीवन? वी विल टेक एरिया ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड, वी विल टेक द एरिया अंडर ए बी ओनली, जो सिर्फ ए बी के नीचे एरिया है, और ए बी का एरिया कैसा है? स्फीयर बोलो रेक्टेंगल बोलो, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमने दोनों केसेस में लेंथ इनटू ब्रेथ ही लिखना है, ठीक है? साइड इनटू साइड लिख सकते हो, बट लेंथ इनटू ब्रेथ ही लिखेंगे हम। एरिया ऑफ ए बी डी ई, ठीक है बच्चे? तो फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया का? यस अंजलि, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। बच्चा आप गाइड मत करो, लेट हर स्पीक, ठीक है? चलिए, व्हाट इज द लेंथ अंजलि हियर? मैम
किसी को भी ले लो, किसी को भी ले लो, आप ये भी लेंथ बोल सकते हो, इसको भी लेंथ बोल सकते हो. हम ए बी, लेंथ इज ए बी, यस, एंड देन व्हाट विल बी द ब्रेथ? ए डी. ए डी तो ये हो गया. मैम बी डी. बी डी, वेरी गुड. चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? मैम ए, 1 मीटर. ए बी बेटा, ए बी तो यहाँ है ना, ए बी यहाँ है. देखो ये किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है. 8 सेकंड. हाँ जी, तो सेकंड नहीं लेंगे बेटा, यहाँ पर हम सिंपली 8 लेंगे. और ब्रेथ कितनी है इसकी? बी डी की वैल्यू कितनी है? अब देखो ये ब्रेथ है आपकी, है ना, आपने, और ये किसके इक्वल है बेटा? इसके इक्वल है. तो ये वैल्यू कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड. ये भी 8 है. तो वैल्यू कितनी आई आपकी? आंसर कितना आ गया? 64. यूनिट क्या होगी? मीटर. मीटर, वेरी गुड. गो बैक टू योर सीट बच्चा. आप मुझे एक चीज बताइए, आपको अब कुछ इम्प्रूवमेंट लग रही है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ रहे हैं? समझ आ रहे हैं, सही में आ रहे हैं समझ, है ना? चलिए अब मुझे बताइए, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम बी सी हाँ जी, डिस्टेंस कवर्ड, इसका थर्ड पार्ट क्या पूछ रहे? देखो, द डिस्टेंस कवर्ड विथ वेरिएबल वेलोसिटी. वेरिएबल वेलोसिटी कहां पर है? इस पार्ट में. ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पर क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है या ऑब्जेक्ट फास्ट हो रहा है? स्लो हो गया. स्लो हो गया तो उसकी एक्सलरेशन, यहां पर एक्सलरेट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट या रिटार्डेशन हो रही है? जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है तो एक्सलरेशन होती है, पॉजिटिव एक्सलरेशन होती है. जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती है तो नेगेटिव एक्सलरेशन होती है. ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, तो बीसी में डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम बीसी ऑफ बीसी कितना होगा? कौन बताएगा मुझे? फ्रॉम नाइन्थ बी, अरमान. यस, सेकंड बी. हाउ विल यू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम बी सी? यस, कैन यू स्पीक अगेन? By area of triangle. Area of triangle. Triangle. कौन सा triangle बन रहा है बेटा यहाँ पे? Triangle कौन सा बन रहा है? B, D and C. तो इसका formula क्या होगा बेटा? Half into base. Base कितना है? Yes, base कितना है? What is base बेटा? ये height हो गई and ये base हो गया triangle का. Base कितना है? DC. और height कितनी है? BD. Just substitute the values. Half into base की length. अब देखो सिर्फ इतना base चाहिए हमें. ठीक है, तो इसकी value कितनी आ जाएगी? 18 minus 8. And BD. BD कितना है हमारे पास? 8. सॉल्व कीजिए. हाफ इंटू 10 into 8, तो ये कितना आ गया? 2 4 8, इट विल बी 40 मीटर. ठीक है बच्चे? हाँ जी, जल्दी से नोट कीजिए. टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने? टोटल डिस्टेंस यहां पे 64 था,
हाँ जी, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? हाँ जी, टोटल डिस्टेंस मतलब ए टू बी तक उसने कितना कवर किया, फिर उसने बी टू सी में कितना कवर किया, राइट? तो दोनों के डिस्टेंसेस को हम ऐड कर देंगे डायरेक्टली, तो एक बार आया 64 एंड एक बार आया 40, तो ये कितना आ गया 104 मीटर, राइट बेटा? क्लियर हो गया सबको? चलिए अब इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे एवरेज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कितनी हुई इस केस में? हाँ जी, व्हाट इज द एवरेज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन कैसे निकलेगी? रिटार्डेशन मींस वो एक्सलरेशन ही पूछ रहे हैं आपसे, एक्सलरेशन ही पूछ रहे हैं। एक्सलरेशन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं बेटा? स्लोप। एक्सलरेशन के लिए क्या निकालते हैं हम? स्लोप। स्लोप स्लोप क्या होगी? और स्लोप यहां पर किसकी लेनी है मुझे? बीसी की। बीसी पे वाई एक्सिस की मेजरमेंट कितनी है बेटा? एट। 8। और एक्स एक्सिस पे मेजरमेंट कितनी है? टेन। हाँ, 10 लिख लो, या फिर आप 18 - 8 भी लिख सकते हो, आगे लास्ट बाद में याद रहेगा आपको, ठीक है? इट विल बी 8/10, यू कैन कैलकुलेट। तो अच्छा, ये आपने ठीक बताया मुझे, इट विल नॉट बी 8 बेटा। यस, इट इज 0 - 8 एंड टाइम 18 - 8 ही रहेगा, ठीक है? तो इट विल बी -8/10, तो इट विल बी -4/5। कितना आएगा सॉल्व करके? माइनस, यस, 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इज दैट क्लियर बेटा? रिटार्डेशन जब भी एक वर्ड मिल गया ना आपको, इट मींस वहां पर आपका निगेटिव आंसर आएगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। क्लियर? समझ आ गई बच्चे? अब हमें पूछा गया है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए आगे, एवरेज वेलोसिटी, यस, फ्रॉम 9th B, यश राज। बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अपॉन यस बेटा, कैन यू स्पीक अगेन? टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके, सिट डाउन। बेटा एवरेज वेलोसिटी को हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम भी बोल सकते हैं, या आप सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल दो, या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है? बैठ जाओ बेटा यश, गो बैक टू सीट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी कितनी आई थी बेटा हमारी, 504। और कितना टाइम लगा उसको ग्राफ में अगर आप देखोगे तो? 0 से 18, दिस विल बी योर वैल्यू फॉर एवरेज वेलोसिटी। यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है? यू कैन सॉल्व इट नाउ। कितना आएगा जल्दी से बताइए। हाँ जी बेटा, सॉल्व कर लिया? यस, इट विल बी 5.7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? समझ आ गया बच्चे ये? ओके बेटा, बच्चा आपका जो एक डायग्राम बना हुआ है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 17 एजर्शन रीजन के बाद एक डायग्राम है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ 1 to 7 लिखा हुआ है, देखो। हाँ
जिसमें ए बी सी पी क्यू आर तीन चार ऑब्जेक्ट दिखाए हुए हैं, पॉइंट्स दिखाए हुए हैं। हाँ मतलब कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, ये वाला बना हुआ है ना। इसमें बेटा इसमें से फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन ये आपके डायग्राम के बेसिस पर नहीं है बेटा क्वेश्चन, ये थोड़ा मिस टाइप हो चुके हैं। इस ग्राफ से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इस ग्राफ से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन। यू जस्ट ट्राई दीज क्वेश्चन एट होम बेटा। फोर्थ ये वाला क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी कि इसका आंसर क्या है, और ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है। अच्छा एक इसके ऊपर रिजर्शन रीजन है, 17th वाला वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। 17th क्वेश्चन इसी के ऊपर बेटा, जो ये ग्राफ बना हुआ है ना इसी के ऊपर क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ईदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यस एंड रीजन डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ आर करेक्ट, एंड इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट? यस 9th B बेटा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? यस 9th B फिर मैं अब नाम बोलती हूँ, हर्षप्रीत कौर, यस बेटा यस टेल मी इज इट, क्या इजर्शन ट्रू है इस केस में बच्चे? नो, ओके एंड रीजन? यस रीजन बताइए, ट्रू है या फॉल्स है? डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बेटा आप कुछ बोल रहे हो या मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी? अच्छा चलो हम डिस्कस करेंगे इसको, अगर आपको नहीं आता यू कैन गो बैक टू योर सीट, ठीक है। कोई और बच्चा? मोहित, यस मैम। हां जी बेटा टेल मी whether assertion is true or false. True. And what reason? True. Reason भी true है. So is it the correct explanation or not? Yes. Okay. Very good. Go back to your seat, बेटा. बेटा देखो distance जो होता है ये हमेशा positive होता है. ठीक है? जो displacement होती है, displacement होता है shortest path, है ना? कि सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा लिया आपने, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों तीनों हो सकती हैं। आप घूम कर आए और वापस अपनी जगह पे जाकर बैठ गए, जैसे अभी हर्ष जो जाकर अपनी जगह पे बैठ गया ना वापस, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो, वापस चला गया ना स्टार्टिंग जहां से की थी, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पे वो जाकर बैठ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो, राइट बच्चा? तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब हो सकती है, और ये क्यों होती है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड, ये हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस करूंगी आपके साथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है इसके पास, इसलिए ये जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक नंबर, जैसे बोला 5 kg एप्पल, तो 5 क्या है यहां पर? एक
मैग्नीट्यूड है, ठीक है. मैंने बोला लेंथ ऑफ योर पेंसिल इज लेट अस से 2 मीटर, तो 2 क्या हुआ यहाँ पे, मैग्नीट्यूड. तो एक नंबर जो है आपके पास, आपने बोला नंबर ऑफ बुक्स, आपके आज आपके पास बैग के अंदर 11 बुक्स हैं, तो 11 क्या हुआ, एक मैग्नीट्यूड हुआ, नंबर जहां पर आप बता रहे हो, ठीक है. और डायरेक्शन अगर आप साथ में ये बता रहे हो, मैं ऊपर जा रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, है ना, मैं लेफ्ट गया, मैं राइट गया, मैं मार्केट गया, मैं घर जा रहा हूं, आपने डायरेक्शन बताई साथ में कि कहां जा रहे हो, तो वो बन जाता है आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है. तो जहां पर अकेला मैग्नीट्यूड पता हो उसको हम बोलते हैं स्केलर, और जहां पर आपको ये दोनों पता हो, जहां पर आपको ये दोनों पता हो उनको हम बोलते हैं वेक्टर. ठीक है बच्चे, चलिए बेटा नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. दिस इज सफिशियंट फॉर टुडे. कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, बी रेडी विद द नेक्स्ट क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे. ओके बेटा, बाय एवरीवन, बाय जी, बाय.